गुड हैप्पी संडे एवरीवन, गुड इवनिंग बल्कि गुड नाइट ही होने वाला है। ये देखिए जी, आज ग्रेड 7 की सर्जरी है। ग्रेड डोनर बिल्कुल भी बहुत कम, बहुत ही ना होने के बराबर, इतना कम था कि बस आपकी सोच है। तो इनका हमने हेड से भी ग्राफ्ट लिए हैं और बियर्ड से भी लिए हैं। ये फ्रंट हो रहा है इनका, इसमें डेंसिटी थोड़ी कम है क्योंकि जब ग्राफ्ट कम होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी कम होगी। ये इनका फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट में प्लेसमेंट हो रही है, रैप्स लग रहे हैं, इनकी बियर्ड से भी ग्राफ्ट लिया है। इनकी ग्राफ्ट सिंगल बहुत नेचुरली स्किन में, अब सिंगल पड़ा तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, ये बियर्ड के हैं, बताना बाद में। तो ये बियर्ड के ग्राफ्ट है, देखिए बियर्ड का ग्राफ्ट थोड़ा मोटा होता है, हाँ ओके, थोड़ा थिक ग्राफ्ट होता है। इसका बल्ब देखें कितना हेल्दी होता है, लेकिन निकालने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए होती है। ये देखें कितना हेल्दी, जबकि नेचुरल, लेकिन ये लिमिटेड होता है, इतने ज़्यादा नहीं होते। देखें होता हेल्दी बल्ब है इसका, और नॉर्मल ग्राफ्ट रखो इसके साथ। ये इसके साथ नीचे देखें, ये डबल ग्राफ्ट है, नीचे हिलाओ नहीं, ये डबल ग्राफ्ट है नेचुरल हेड का, और वो बियर्ड का बल्ब वाला ग्राफ्ट जो है वो बियर्ड का है। जिसके हेड में ऑप्शन ना हो वहाँ से हम बियर्ड से एफयूई करते हैं। तो इनका फिर भी काफ़ी अच्छा बेहतर फ्लिक बन जाएगा। इस सर्जरी पर ज़्यादा मेहनत होती है, हेल्दी ग्राफ्ट पे मेहनत कम है, और इस पर आप मेंटली बहुत टॉर्चर होते हैं कि आपको ग्राफ्ट को बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है। ये देख लीजिए, ये टेल्फाज हैं। अब इनका ग्राफ्ट ही स्किन में सिंगल था, हमने इनको पहले बताया, अभी देखें इसको हम डबल करके पेयर बना के लगाएंगे। तो सारी चीज़ जो मैटर करती है वो होती है आपका डोनर कैसा है। डोनर में अगर डबल ग्राफ्ट हैं तो अच्छी बात यह है कि आप डबल निकाल लें, और आज संडे है और हम काम कर रहे हैं। पर जो लोग कमेंट्स करते हैं ना कि आप तो घूमने चले जाते हैं, तो हम इतना ओवर बर्डन काम करते हैं 18-18 घंटे, कि अगर हम घूमने ना जाएं ना कहीं तो हम पागल हो जाएं। तो इसलिए इतना टफ काम करने के बाद घूमना बनता है हमारा। ये देखें ग्राफ्ट्स को क्लीन कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, देखें ये डब हेड के ग्राफ्ट हैं, वो बियर्ड के ग्राफ्ट हैं। चलें जी, आज का लाइव ट्रांसप्लांट दिखा दिया आपको। लास्ट संडे भी मिस हो गया था, ऑफिस में ही थे, लेकिन बड़ा अजीब सा मुश्किल काम लगता है कि ये वीडियो मेकिंग और पता नहीं क्या क्या, कि बंदा फिर सारी तकरीर भी करे, और तकरीर भी रोज़ नहीं हो, शो ही शुरू कर लेती हूँ। क्या ख्याल है फरुख नौशीन शो, लाइव शो? चलें जी, मिस टेल्फा हंस रही हैं। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।